नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें, और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। बीती रात बेलारी और कुंदरकी के बीच फिर दर्दनाक हादसा हुआ। मुरादाबाद आगरा स्टेट हाईवे पर हुई दुर्घटना में शहर के रहने वाले बाइक सवार दो भाइयों की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे से बंगला गांव क्षेत्र में गम का माहौल है और परिवार में कोहराम मच गया है। शहर के थाना नागफनी क्षेत्र के बंगला गांव निवासी 24 व 26 वर्षीय सगे भाई नितिन और पिंटू विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए चंदौसी अपनी रिश्तेदारी में गए थे। उनके साथ रिश्तेदार ऋतिक भी था। देर रात 1 बजे तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। बिलारी व कुंदरकी के बीच स्थित गांव तेवरखास में रोडवेज बस ने बाइक को रौंद दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर घायल पड़े युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें नितिन और पिंटू की रास्ते में ही मौत हो गई। आज जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देकर पागवाड़ा में स्थित वीनस नर्सिंग होम, एमए हेल्थ केयर सेंटर, थाना गल शहीद अंतर्गत प्रिंस रोड पर स्थित नेशनल नर्सिंग होम, थाना कटघर स्थित दसराय में ख्वाजा हेल्थ केयर आदि अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही व कर्मचारी शेखर द्वारा एक मरीज से 25,00,000 रुपए ठगे जाने, दानवीर द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से अस्पताल में ड्यूटी कर मरीजों से ठगी करने व महिला डिपार्टमेंट में मरीजों से अवैध वसूली करने पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही 3 दिन में कार्यवाही ना होने पर डीएम व कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में ठाकुर मंजूर राठौर, बबीता सैनी, अनुराधा सेठ, कुशल सिंह, अजय सैनी, विजय सेठ, रजत सागर, योगेश गुप्ता, विकास कुमार, लखवीर सिंह आदि मौजूद रहे। सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने जो मुरादाबाद जनपद में अनेक झोलाछाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फर्जी तरीके से अस्पताल खुले हुए हैं, डिलीवरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मेजर ऑपरेशन करते हैं, और हफ्ता 10 दिन में किसी इन अस्पतालों में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। अभी हाल फिलहाल में करीब 4-5 महीने पहले पागवाड़ा में मखदूमी अस्पताल था, उस पर ACMO ने जो झोलाछाप डॉक्टरों की प्रभारी उन्होंने सील लगा दी थी, लेकिन वो फिर अब खोल दी गई। एक और नर्सिंग होम था, उसे वीनस नर्सिंग होम के नाम से उसने दोबारा खोल लिया है, और एक नेशनल नर्सिंग होम है प्रिंस रोड पर है, और ख्वाजा हेल्थ केयर है यहाँ डबल फाटक पर दसराय में। ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं और जिन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी CMO कार्यालय में बैठे हुए ये सभी संविदा कर्मचारी हैं, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, और यहाँ पूरे दिन अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ, अवैध वसूली कर दी। डिलारी में अतिक्रमण से मुक्त की गई भूमि पर शहीद नरेश कुमार की प्रतिमा का पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह ने अनावरण किया। शहीद नरेश कुमार 16 अक्टूबर 2020 को कर्तव्यों का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नरेश कुमार इसी गांव के रहने वाले थे, इस दौरान उनके परिजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर वीर सिंह सैनी, SDM संजय कुमार गौतम, ठाकर द्वारा CEO राजेश कुमार तिवारी, डिलारी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान आदि मौजूद रहे। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 13 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर मतगणना में लगे सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बुधवार रात एक मेटल हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। हादसा सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में हुआ। फैक्ट्री में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया। CFO सुभाष चौधरी का कहना है कि आग लगने की सूचना रात में करीब 12:30 बजे मिली थी। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सिविल लाइन्स पुलिस भी मौजूद रही। पूरे जिले की आंगनवाड़ी महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों के लिए आज CMO कार्यालय स्थित सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। ट्रेनर राबिया और रजनी त्यागी ने बताया कि हर एक क्षेत्र में महिला आशा की नियुक्ति की गई है। ट्रेनिंग है हमारी आशा के द्वारा, महिला रोग समिति बनाई जाती है, ये हर मोहल्ले में एक बनाई जाती है और इस स्वास्थ्य और पोषक सुविधाओं से उस समिति को जोड़ती है। शोक संवेदना व्यक्त करने कोरबाकू गांव पहुंचे सपा विधायक हाजी नाजिर कुरेशी व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नजाकत अली ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया और परिवार के लोगों को दिलासा देते हुए संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि रविवार को थाना भोजपुर के गाँव कोरबाकू निवासी
शब्बीर का परिवार भात देने के लिए जनपद रामपुर के खेमपुर गांव जा रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास थाना भगतपुर क्षेत्र के खेरखाता गांव के समीप अलीगंज दलतपुर मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार टैंकर ने उनके छोटे हाथी में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में एक ही कुनबे के 8 लोग सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुरादाबाद के गोविंद नगर निवासी युवक अमन ने मनचाही दुल्हन नहीं मिलने पर जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। उसे नाजुक हालत में जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। युवक जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो BA पास है, जबकि युवक ने कभी स्कूल की चौखट पर भी कदम नहीं रखा। लड़की वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो इससे आहत युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। मतगणना को लेकर मुरादाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाने के साथ ही 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के आदेश SSP हेमराज मीणा ने दिए हैं। पूरे मंडी क्षेत्र को आइसोलेशन इंडोर और आउट कार्टन में बांटा जाएगा। CCTV कैमरे का जाल भी बिछाया जा रहा है, जिनके द्वारा मंडी समिति के चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। साथ ही SSP हेमराज मीणा द्वारा विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। यातायात पुलिस द्वारा शनिवार दिनांक 13 मई को मतगणना के चलते सवेरे 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है, जहां नगर क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन सवेरे 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। वहीं चौधरी चरण सिंह चौक से प्रकाश नगर चौराहे तक मतगणना में लगे अधिकारी कर्मियों एवं प्रत्याशी तथा मतगणना एजेंट के वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस रोड पर रहने वाले लोग अपना एड्रेस प्रूफ दिखाकर आवश्यक परिस्थितियों में आवागमन कर सकते हैं।